हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल करकवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं कटरा। तो हम आ चुके हैं कटरा और आज हम यहाँ से जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर। और कटरा से हम ऑलरेडी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरे साथ है मेरे दोस्त, सबसे पहले मोहित सिंह। क्या हाल है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ एक और हैं करण विरमानी, वहाँ पीछे थोड़ा फ़ोन पे लगे हुए हैं। और हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, हमारे साथ एक छोटी बच्ची है अनुराधा। और चढ़ाई हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, एक घंटे पहले चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं रास्ते में ऊपर। तो अभी चलते चलते हम जरा डिस्कस कर रहे थे कि क्या डिस्कस कर रहे थे, हम भूल गए कितने किलोमीटर। हाँ, कितने किलोमीटर भवन है। तो अभी हम जो सोच के आए थे यहाँ शौक के लहर 12 किलोमीटर आना जाना, ये हम सोच के आए थे। लेकिन 12 किलोमीटर जाना जाना है। हाँ, अब जाके यहाँ पर पता लग रहा है कि 12 किलोमीटर तो सिर्फ जाना जाना है। एक भैया से हमने पूछा और हमें क्या पता चला कि अर्ध क्वारी जो है 2 किलोमीटर। हाँ, अर्ध क्वारी जो है वो 2 किलोमीटर ऊपर है। और उसके बाद फिर जो मेन भवन है वो 6 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर है शायद। उसके बाद भैरव की चढ़ाई 2 किलोमीटर और उसके बाद भैरव की चढ़ाई 2 किलोमीटर। मतलब हम क्या सोच के आए थे, 12 किलोमीटर में अप डाउन। हम सोच के आए थे कि 12 किलोमीटर अप डाउन दोनों होगा, बट 24 से 26 किलोमीटर अप डाउन। हाँ चलो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो आपके साथ एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहेंगे कि चलने का तरीका क्या है। बूढ़े बहुत गया। हाँ नहीं, अगर आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है तो उसका थोड़ा सही तरीका क्या हो सकता है, क्या थोड़ा जैसे बूबू चढ़ते थे पहले। हाँ, जैसे हम तो उत्तराखंड से, हमारे बूबू अम्मा लोग कैसे चढ़ते थे, हाथ पीछे करे, हल्का सा आगे को बैंड हुए और चलते रहो धीरे धीरे पेस बना के, ठीक है। और अगर आप चलते चलते थक जाए तो घोड़े की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छे से दे रखी है, तो आप चाहे तो घोड़ा कर सकते हैं। लेकिन ना करो, लेकिन कहना ये है कि घोड़े के पैरों को कष्ट देने से अच्छा है अपने पैरों को कष्ट दे लो, वरना क्या फायदा। 11 नंबर की व्हीकल का यूज करें, ऐसा घोड़ा करता है। 11 नंबर की व्हीकल, ये घोड़े तो काफी तगड़े हैं, कर भी सकते हो, मतलब ऐसे तगड़े मिल जाए। ये आप अपने बात से पलट रहे हो यार, बात से पलट यार, मैं नहीं कर रहा, मर्जी है, दम थोड़ा तोड़ेगा। बाकी रेस्ट लेते रहो, क्या दिक्कत है, रेस्टिंग पॉइंट तो बहुत है यहाँ पे और खाने पीने के लिए भी बहुत है। बस चाय और समोसे मत खाना। हाँ, चाय समोसे मत खाना। हमारे भाई ने चाय समोसे खाए, उसको पता नहीं क्या होने लगा पेट में, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया इनको। चाय समोसे खा गए भाई? नहीं, कैसा फील हो रहा है चाय समोसे खा के? इन्होंने फ्रूट्स व्रूट्स खा लिए पहले, फिर चाय पी ली, समोसे खा लिए। ओहो, नज़ारा दिख गया, रुक जाओ। व्यू तो बहुत बढ़िया है यार, नैनीताल फील कर रहा है। अरे यहाँ पर एक निंगाऊ का पेड़ भी दिख गया मेरे को, बट वो अंधेरे में दिख नहीं रहा है, मेरे को दिख रहा है बानर। घोड़े तो हट्टे कट्टे हैं यहाँ पे। हाँ,
बानर 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 ओ बानर ठंड में बैठे हैं भाई सिकुड़ के। तेरी टोपी दे दे। क्यों दे दो मेरी टोपी? दे अपना मफलर दे दे। अन्नू की टोपी दे देते हैं वेडनेसडे वाली। ओ हार मान ली? नहीं ले ली ना पहले। यही से फोटो ले रखी है मैंने पहले नवंबर में। एक फोटो मैं भी लूंगा। एक सुविधा के बारे में और बताए थे, अगर आप अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं तो बच्चों की सुविधा के लिए ये बोलते क्या मुझे नहीं पता। नहीं बच्चों की ट्रॉली जैसे माँ बाप बच्चों को बच्चों हाँ या क्रेडल। क्रेडल झूला पालना। अच्छा क्रेडल अलग होता है क्या? हाँ तो भी बच्चों का वही, अगर बच्चे आपके थक जाएं तो ये भाई साहब यहाँ पे घूमते रहते हैं जो आपके बच्चों को पार कराने में मदद करेंगे। काफ़ी मदद कर देंगे। एक साइड का 12 किलोमीटर। इसलिए भरोसा नहीं करता आपसे। चलो तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो डिजिटल दान भी कर सकते हैं और ये है QR कोड। मैंने आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्कैन करके दान कर दीजिए। पाए टैक्स 80G पर छूट। पाए टैक्स 80G पर छूट। 80G कोई धारा होगी सकती है। चले पेटीएम से कंटिन्यू करें। पानी पीते हैं भाई। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। पानी तो यहाँ पे काफी है, साफ भी जगह जगह पे पानी अपडेट करा हुआ। क्लीन डोम 823 नेक्स्ट ड्यू 324। हाँ ये अच्छी बात है, टंकी का पानी टाइम टाइम टेक क्लीन होता रहता है। अपडेट करा हुआ। नीचे आने के लिए घोड़े, ऊपर जाने के लिए घोड़े। मंत्रों का उच्चारण होता है। 10:50 पे हमने शुरू किया था चलना रात को। हाँ मतलब दिख रहा है वो तो। और अभी टाइम हो रहा है 12:55। 12:55 और मुझे नहीं लग रहा हम आधा भी पहुंचे हैं। हमें पता ही नहीं है जाना कितना है। हमें एक तो पता नहीं है, एक और सुविधा अभी हमको यहाँ दिखी सीढ़ियों की, इसके बारे में भी हम बता देते हैं। देखो अगर आपको शॉर्टकट लेने का मन हो ऊपर आते हुए चाहे नीचे आते हुए, तो आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। इतना घूम के आने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से सीढ़ी करके सीधा नीचे भी जा सकते हैं। तो ये एक और यहाँ पर सुविधा दी गई है। लेकिन ये सिर्फ हिम्मत वालों के लिए। हिम्मत वालों के लिए क्यों भाई? और ये बकरी का बच्चा छड़मलाट हो रहा है ऊपर। बकरी यहाँ पर घूम रही है। मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। काफी दिनों बाद ऐसे मंत्रों का उच्चारण सुना। लेकिन ये कौन सा टाइम है मंत्रों का उच्चारण का? या यहाँ पर रिकॉर्डिंग में लगा रखा होगा। यहाँ पर तो 24 घंटे मंत्रों का उच्चारण चलता है भक्तों को उत्साहना प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही है, देने के लिए। अभी अभी हमारे भाई ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया। करण वीरमानी क्या आइडिया है बताएंगे जरा? हाँ दर्शकों को बताइए क्या आइडिया है। अरे ग्यारह तो शर्मा रहे हैं आइडिया देने। आप बताइए। मर्द के बच्चे हो तो घोड़ों का इस्तेमाल ना करें। तो आइडिया इन्होंने दिया है, मतलब इन्होंने आइडिया नहीं ललकार लगा दी है मर्द जात को। ओहो मर्द जात। अगर लेकिन इनके पास डंडी है आप देख सकते हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए, ये तो खुद डंडा लेके घूम रहे हैं। इनका कहना है मर्द जात हो तो घोड़े का इस्तेमाल नहीं करना और ये खुद डंडा लेके घूम रहे हैं। बट कोई बात नहीं, मर्द तो मर्द ही है, मर्द को भी दर्द होता है। तो अभी अभी हमने एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करी, वॉमिटिंग उल्टी। कुछ लोग जो है वो उल्टी भी कर रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है उल्टी करने का? खाना रीज़न हो सकता है।
रात के 1:30 बज रहे हैं। समोसे वमोसे वगैरह फलाना ढिकना तली। हाँ, क्योंकि खाने को यहाँ पे समोसे वगैरह तली हुई चीज़ें बहुत रास्ते में है खाने के लिए, और रात के 1:30 बज रहे हैं अभी। बॉडी वैसे ही डाइजेस्ट कहाँ, इस टाइम पे बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती तो वैसे ही डिस्टर्ब है। हाँ, तो हो सकता है इसकी वजह से लोग उल्टी कर रहे हो। आप अवॉइड करें ये सब खाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेल की भी व्यवस्था है भाई, रेलवे स्टेशन तो वहाँ है, बट ये मिनी रेल यहाँ कैसे चल रही है भाई? देखो क्या है कि कस्टमर मिल नहीं रहे हैं तो क्या करें, आनंद लिया जाए, अपनी गाड़ी की सवारी करो। तो फाइनली ऑलमोस्ट 5.5 घंटे चलने के बाद पहुँच गए, 5.5 घंटे ऑलमोस्ट लगे और 12 किलोमीटर चल के हम पहुंच गए। वापस आने का कोई सेंस नहीं है उसके बाद ये। अभी हम जा रहे हैं जूते चप्पल और बैग रखवाने, क्योंकि वहाँ पे जूते चप्पल बैग अलाउड नहीं है। चलो तो जूते और लगेज रखवाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो हमने क्या सोचा मुझे, हमने सोचा दो बंदे दर्शन करने जाएंगे और दो बंदे ख्याल रखेंगे, और फिर दो बंदे दर्शन करने जाएंगे और दो बंदे ख्याल रखेंगे, ये ज़्यादा बढ़िया आइडिया है। तो कहाँ पे करना है ये सब? यहीं पर जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक। हाँ, जहाँ तक। चलो, आरती के टाइम दर्शन की लाइन जो होती है उसको रोक दिया जाता है, उस टाइम पे दर्शन नहीं होते हैं, तो हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। माता के भवन में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं है, कोई भी लेदर का आइटम ले जाना अलाउड नहीं है, चाहे वो बेल्ट हो, पर्स हो, कुछ भी नहीं। आपके पास वॉच भी नहीं होनी चाहिए, चाहे स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल वॉच हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास नहीं होना। आपके पास प्रसाद होना चाहिए और पैसे आप ले जा सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं ले जा सकते, वो निकलवा देंगे। माता के दर्शन होने के बाद अब चढ़ाई शुरू होती है भैरव मंदिर की, भैरव की चढ़ाई। वहां तक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट में आपको ऊपर पहुंचा देगी, और दूसरा रास्ता आपके पास है कि आप चलकर, जैसे आप नीचे कटरा से भवन तक आए थे वैसे ही आप भवन से लेकर भैरव मंदिर तक पैदल जा सकते हैं। अगर आप ट्रॉली से जाना चाहते हैं तो उसकी किराया 100 रुपये है, लेकिन उसकी लाइन इतनी लंबी है कि हो सकता है आपका नंबर आने में 3 से 4 घंटे लग जाएं। तो माता के दर्शन होने का एक और ट्रांसपोर्ट का जरिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया वो था ये हेलीकॉप्टर। ये आपको कटरा के जो बस स्टैंड है वहीं से ही आपको बिठा के सीधा ये माता मंदिर के भवन यहाँ तक आपको लेके आ जाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, हर 2 से 3 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आता रहता है जो कि लोगों को यहाँ पहुँचाता है। इसका जो किराया है वो आई थिंक 2100 रुपये है, 2100 रुपये। तो ये काफ़ी इजी और काफ़ी आसान जरिया हो जाता है, ये आपको 1 या 2 मिनट में आपको कटरा से यहाँ तक पहुँचा दे। तो इसी के साथ हमारी वैष्णो देवी और भैरव मंदिर की चढ़ाई यहीं पे समाप्त हो जाती है, और अब समय आता है नीचे उतरने का, जो कि और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि ऊपर जाना फिर भी आसान है नीचे उतरने से, क्योंकि नीचे उतरने में आपको कंट्रोल करना पड़ता है, पैरों में बहुत झटके लगते हैं। हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया क्योंकि सीढ़ियाँ एक तरह का शॉर्टकट था, लेकिन उसका एक नुकसान यह है कि पैरों में बहुत झटके लगते हैं, बहुत दर्द होता है, क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे, 2-3 दिन से हम सोए नहीं थे जो सफ़र करके आए थे, और फिर पूरी रात भर चले। अगर आप सीढ़ियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप नॉर्मल रास्ता चले और धीरे धीरे करके नीचे उतरते रहें, 3-4 घंटे में आप नीचे उतर ही जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी यात्रा होती है समाप्त। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।